हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों, आज हम एनवायरमेंटल साइंस के विन एनर्जी के टॉपिक से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से जो न्यूमेरिकल हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें और जो क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं वह दिसंबर 2019 में पूछा गया था। दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को देखने के बाद ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपको और आपके दोस्तों को मेरे चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। देखते हैं क्वेश्चन। जो क्वेश्चन यूएसी ने जो अब एनटेक लाता है उसमें पूछा गया था, क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल पावर पर यूनिट एरिया अवेलेबल इन अ विंड स्ट्रीम ब्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें इसमें पावर पर यूनिट एरिया विंड की निकालनी है, और इसमें हमें गिवन है डेंसिटी। दोस्तों, आप याद रखिए, कभी कभी डेंसिटी ऑफ एयर नहीं दी जाती है, तो आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। तो 1.226 केजी पर मीटर क्यूब इस क्वेश्चन में यह वैल्यू गिवन थी। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हमें, 76.6, 15.3, 13.6, 13.3 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है। हमें निकालना है विंड पावर डेंसिटी। विंड पावर डेंसिटी होती है हमारी पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है दोस्तों। तो इस पावर जो हमारी इसमें आएगी उसकी यूनिट होगी क्या, वॉट पर मीटर स्क्वायर। पावर की हमारी यूनिट थी वॉट, और जो हमारा एरिया हो गया यूनिट एरिया वो मीटर स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों, इसका फॉर्मूला है हाफ रो। रो हमारा है डेंसिटी ऑफ एयर, दैट इज इन केजी पर मीटर क्यूब। हमें गीवन है, अगर गीवन है तो हमें याद रखनी पड़ेगी। और वेलोसिटी ऑफ विंड, तो हमें वेलोसिटी ऑफ विंड और जो हमें गीवन है वो है 5, और देट शुड बी मीटर पर सेकेंड। दोस्तों, आपको यूनिट का ध्यान रखना है, ऐसा यूनिट आपको मेंटेन करते हुए चलना है, तभी आपका आंसर वाट पर मीटर स्क्वायर में आएगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमें क्वेश्चन में गिवन था डेंसिटी ऑफ एयर, दैट इज इन केजी पर मीटर क्यूब, और वेलोसिटी ऑफ विंड, दैट इज 5। तो 5 क्यूब रूट, तो दोस्तों 5 मीटर क्यूब हो जाएगा। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, देन हम केजी पर सेकेंड क्यूब इसे कन्वर्ट कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा वॉट। तो दोस्तों, जो हमारा आंसर आएगा, दोस्तों ये पावर है पी, वो आ जाएगा सॉल्व करने का 76.6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।